नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विज फूड इंडिया में। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है पेशावरी मुर्ग चना। इस मुर्ग चने को आप अगर एक बार बना के खा लेंगे तो मेरा दावा है कि इसके टेस्ट को आप भूल नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने बर्तन को चूल्हे पे चढ़ा दिया है, अब ये गर्म हो रहा है। अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। हम मुर्ग चना बनाने के लिए 1 केजी चिकन में इसको बनाएंगे, तो इसमें हमें तेल की ज़रूरत करीब 100 ग्राम पड़ेगी। तो इसमें हम अब सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें 100 ग्राम तेल हम डालेंगे। सरसों के तेल को हमने अपने बर्तन में डाल दिया है, अब इसको गर्म होने देंगे। जैसे ही गर्म होगा उसके बाद आगे की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं इससे धुआं आ रहा है। अब यहीं पे हम 7-8 हरी मिर्च है जिसको बीच से हमने फाड़ लिया है, अब इसमें डाल देंगे। हमने 3 मीडियम प्याज काटा है, उसको बारीक हमने चॉप कर लिया है, लेकिन अभी हम केवल एक ही प्याज इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से सुनहरा होने तक भूनेंगे। ये हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब यहाँ पे हम चिकन को ऐड कर देंगे। सारे चिकन को इसमें डाल देंगे। सारे चिकन को हमने इसमें डाल दिया है, अब इसको तेज आंच पे हमें 7-8 मिनट तक भूनना है। इसको थोड़ा सा हमें भून के इसको टाइट कर देना है पीस को, कि हमारा पीस जल्दी गले ना। तो 10 मिनट के आसपास इसको भून लें। आप देख सकते हैं कि तेज आंच पे चिकन हमारा अच्छे से भून रहा है, लकड़ी के आंच पे बहुत ही अच्छे से हमारा चिकन भून रहा है। फ्रेंड्स, अभी हमें इसको भूनना है क्योंकि चिकन पानी अपना छोड़ता है, तो उस पानी को हमें पहले ही जला लेना है। इसके लिए हमें 10 मिनट के लिए चिकन को भूनना है, वो प्रोसेस चल रहा है। फ्रेंड्स, 10 मिनट हमारे चिकन को भूनते हो गया है, अब इसमें बाकी का बचा हुआ प्याज इसमें शामिल कर देंगे। फ्रेंड्स, हमने प्याज को इसमें डाल दिया है, अब यहाँ पे हमने 15-20 लहसुन की कलियाँ जिसको छील लिया है, और 1 इंच अदरक है जिसको बारीक काट लिया है, वो सब इसमें हम डाल देंगे। इन सब अदरक लहसुन को हमने इसमें डाल दिया है, अब इसको ऐसे ही अभी खुले आंच पे कम से कम 10 मिनट तक इसको पकाएंगे और एक बार इसको चला देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये काबुली चना है, इसको हमने 4 घंटे पहले इसको पानी में भिगो दिया था, अब ये काफ़ी नरम हो गया है। अब इसी स्टेज पे हम ये चना भी इसमें ऐड कर देंगे चिकन में, और इसको अच्छे से चला के और इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि 10 मिनट हो गया है इसको पकाते हुए, और काफ़ी हद तक खुशबू अब बाहर आने लगी है इस मुर्ग चने की। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम गरम मसाला, जो खड़े मसाले हैं उसको हमने पीस के रखा है, अब उसको 2 चम्मच यहाँ पे इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये होममेड मसाला है, ये मैं चिकन में और मटन में दोनों में इस्तेमाल करता हूँ। तो इसको, इसकी रेसिपी मैं, इसको कैसे बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें पड़ती हैं, मैं जल्द ही अपने चैनल पे इसको शामिल करूँगा। और यहाँ पे हमने मसाले को 2 चम्मच ये डाल दिया है, और थोड़े देर तक खुली ढक्कन पे इसको जो है 5 मिनट तक पकाएंगे, और इसमें नमक अपने स्वाद अनुसार इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भून रहा है, बहुत ही लजीज खुशबू इसकी आ रही है। और आप भी इसको जब तक बनाएंगे नहीं तब तक इस लजीज खुशबू
और इसका टेस्ट आप और कहीं नहीं पाएंगे। फ्रेंड्स, आमतौर पे ये डिश लाहौरी मुर्ग चना इसे बोलते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा इसमें मैंने चेंजेस ये कर दिया है कि इसमें मैंने अदरक लहसुन जो है उसको मैंने खड़ा डाला है, और आमतौर पे उसमें पेस्ट पड़ता है, तो मैंने आज इसको नए तरीके से बनाया है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगा, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में ये हमारा लाहौरी मुर्ग चना पक रहा है। खुशबू इसकी बेमिसाल है, लाजवाब है। तो फ्रेंड्स, इसको मैं बिना ढक्कन के ही पका रहा हूँ। फ्रेंड्स, इसमें हमने थोड़ा सा पानी हमें इसमें ऐड किया है। आपको जितना पानी की ज़रूरत हो अपने हिसाब से, अगर आपको रोटी से खाना हो तो पानी कम डालिए, अगर आपको रोटी चावल दोनों से खाना हो तो आप इसमें अपने हिसाब से पानी को ऐड करिए। और आप देख सकते हैं कि कलर हमारा कितना कितना ही लाजवाब आ गया है। तो अब इसको जो है हम ढकेंगे नहीं, इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही इसको पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार कलर हमारे मुर्ग चने का बहुत ही शानदार कलर आ चुका है। ये इंडियन मुर्ग चना है फ्रेंड्स, स्पेशली मेरे व्यूवर्स के लिए। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही हल्के आंच पे इसे हम पका रहे हैं। आप देख सकते हैं आंच हमने बहुत कम कर दिया है, और ये मध्यम आंच पे हमारा ये मुर्ग चना पक रहा है। कलर बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब। तो इसको 10 मिनट तक और पकाएंगे फ्रेंड्स। इसमें हमने पानी डाला है, तो वो पानी को हमें पकाना है। अभी 10 मिनट तक पकाते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा मुर्ग चना बन के पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कलर इसका, एरोमा जो खिल के इसका आया है, आप इसको आप देख सकते हैं। कलरफुल।